अस्सलाम वालेकुम। आज का गरम गरम चाय का कप और हमारा ब्लॉग, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको लेंस रोते कैसा लगा, तभी तो मैं अच्छी अच्छी मोटिवेटिव मूवी बनाऊंगी। अगर आप मुझे मोटिवेट ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे मोटिवेटेड और ज़बरदस्त ट्रैवलिंग मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। और ये रहा बाहर का वेदर, वाओ माशाल्लाह। रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह ताला की बनाई हुई कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और माशाल्लाह ये देखें, वाह वाह माशाल्लाह। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं, एक नए दिन के आगाज़ के साथ, और फिर हमारे साथ बने रहिए और आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किस किस से मिल रहे हैं। और सब मेरे लिए दुआ करें, मैं सबके लिए दुआ गो हूँ और इंशाल्लाह फिर हम आपको थोड़ी देर तक। अच्छा, दोपहर का ये रैप्स और ये समोसे, फिर इंशाल्लाह आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब जल्दी जल्दी निकलना, टाइम बहुत हो गया, तो फिर इंशाल्लाह बाद में बात। जी अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रॉपर व्लॉग का आगाज़ करते हैं, क्योंकि व्लॉग का आगाज़ हो चुका है, लेकिन आपको अब मैं दिखाऊंगी इस वक्त कितना माहौल बना हुआ है। और ऑब्वियसली मैंने व्लॉग रेडी करना होता है। अब मैं स्विमिंग पूल में तो जा नहीं सकती, क्योंकि फिर मैंने दिन थोड़े हैं, तो मैंने जगह भी डिस्कवर करनी है। बड़ा प्यारा ये आयरलैंड है, देखें कितना खूबसूरत है। और मैं कहती हूँ अंत है भाई अंत, और माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है, ये माहौल देखने वाला है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको कौन कौन सी जगह पसंद आई है, क्योंकि कमेंट करने से ये होता है कि बंदे को पता लग जाता है कि क्या आप कर रहे हो, क्या आपको पसंद आ रहा है। मुझे तो नहीं पता ना व्यूज़ क्या देख रहे हैं, क्या वो देखना चाहते हैं, क्या पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। अरबाब खान साहब की आवाज़ आ रही है, क्योंकि वो अपनी बेटी की बना रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, तो ऑब्वियसली आवाज़ें तो आएंगी, इज अ नॉर्मल थिंग। तो फिर इसी के साथ ही आपको आगे आगे दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन सी स्पेशल जगह पर जा रहे हैं। मेरे साथ बने रही है, तो थोड़ी देर बाद हम मुलाकात करते हैं और मैं हाज़िर होती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। और सब माशाल्लाह कहें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खान साहब आ गए हैं। खान साहब ने कहा भाई मुझे भी व्लॉग में आज डाल दो, इतनी प्यारी जगह पर हम आए हुए हैं। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, आपको डाल देते हैं, ये कौन सी बात है, आप तो घर की खेती हैं भाई, हम तो डाल सकते हैं कोई ऐसा मसला नहीं है। अब अगर एक बंदा मुझसे खुद रिक्वेस्ट कर रहा है तो फिर तो डालना पड़ेगा ना। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, बोले माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे आपको पता खान जी ऐसे हस्बैंड नहीं है जो आके वीडियो में खुद कूद पड़े, इनको लाना पड़ता है, ये नहीं आते खुद से। तो ये देखें माशाल्लाह, बोले माशाल्लाह। लें जी इंशाल्लाह फिर आपको आगे दिखाते हैं। ओके फिर अल्लाह हाफिज, थोड़ी देर तक मिलते हैं। गई हूँ और मैंने कहा कि मैं अब आपको दिखाऊं कि मैं कहाँ कहाँ क्या क्या किस किस प्लेस पे जा रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या बना रही हूँ। सॉरी मेरी सेल्फी स्टिक टूट गई है, लेकिन अगर कोई मूवी में गड़बड़ हो जाए या बार बार कैमरा हिले तो प्लीज़ बुरा ना मनाइएगा मेरी सेल्फी स्टिक मैं भी लेती हूँ जाके। तो ये देखे जी, ये सारे लावे के पहाड़ हैं, ये वो देखें, वो सारे लावे के, जिधर जिधर मेरी ये हाथ और उंगल जा रही है वहाँ वहाँ। अच्छा ये, और ये भी सारे लावे के पहाड़ है, और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये भी सारे लावे की रेत है, ये आम चट्टाने या आम सॉइल मिट्टी नहीं है, ये सारी लावे की है। और इस ये भी अपने आप में एक अजूबा समझ लें, ये देखें ये सारा लावे का पड़ा है, इन्होंने काट कूट के उधर साफ सूफ करके जगह बना दी है एक टूरिस्ट प्लेस। तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाते हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, और इंशाल्लाह फिर थोड़ी देर तक मिलते हैं। ये जी पूरा लावा है, जैसे पहाड़ से निकल के समुद्र तक के है, और यकीन माने यहाँ कुछ नहीं हो सकता। वो बड़ी बड़ी क्रेनें ही आएंगी तो ये रोड बनेगी तो बनेगी, नहीं तो बड़ी मुश्किल हिसाब किताब है, इन्होंने पता नहीं कैसे बना डाली है। और ये जैसे पहाड़ से नीचे आया वो समुद्र तक गया है, तो ये भी ये अब ये देखिए, अल्लाह रहम करे। ये बड़ी एक कह लो कि मुश्किल टाइम होता है जब ऐसी कोई चीज़ हो जाए आफात के तौर पर, अस्तगफिरुल्लाह हो जाती है, अल्लाह माफ करे।
चाहिए, लेकिन गरीब आते हम आए हुए हैं तो अब आपको हर चीज़ दिखाएंगे। तो ये देखे ना, ये सारा लावा है, सारा दिखाएं पास, इतना ऊंचा ऊंचा लावा है, ऊपर से आया, ये ऊपर से पहाड़ से आया नीचे और इतनी मीलों मील ले गया पानी के अंदर। और फिर आपको दिखाते हैं आगे साथ साथ। मेरे बेटे ने सुना कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो मुझे कहता है अस्तगफुरुल्लाह मामा आपको यही जगह मिली थी। बच्चे भी ना, अब हमें भी नहीं पता था तो, लेकिन ये कि अल्लाह माफ़ करे, देखे अल्लाह रहम करे, ये सारा जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं गाड़ी चला रही हूँ भाई, लोगों देखो। और ये मैं स्पेन में गाड़ी चला रही हूँ, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी ना बिल्कुल ऑपोजिट गाड़ी है चलाने की, क्योंकि हमारी है राइट हैंड साइड पे, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड चला रही हूँ गाड़ी। ये बड़ी मुश्किल है क्योंकि स्पेन की रोडें समझना भी बड़ा औखा काम है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवलिंग कर करके इतनी तो समझ आ ही गई है। तो ले फिर आपको आज तक दिखाते हैं थोड़ी देर में हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस में रहे हैं और क्या खा रहे हैं। ये जी लावा पॉइंट है, अभी हम लावे पे जा रहे हैं। ये सारा देख रहे हैं लावा है, वो सामने देखे लाल पहाड़ है, ये ना देखे अल्लाह रहम करे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। देखे इस राइट लेफ्ट दोनों दिखाओ सारा, ये सारा लावा है, मीलों मील लावा, मीलों मील लावा। वो सामने लाल पहाड़ दिखाए सारे, स्पेन में कुछ भी हो सकता है भाई। और वो सामने दिखाए लावा, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह भाई, देखो इतना लावा। ये जी ऊँटों पे पहाड़ पे लेके जाते हैं, वो जो ऊँटों वाला चौक दिखाया था इसी से रिलेटेड रेलेवेंट आई थिंक कोई चीज है। तो फिर आपको आगे दिखाते हैं, वो ऊँट बैठे हुए आओ जी, वो पहले दिखा दें। ये जी ऊपर जाते हैं पहाड़ पे ऊँटों पे बिठा के, ये ऊपर तक जाना होता है। अल्लाह माफ करे, मैं तो उन जी बेहोश हो जाऊँ, मेरा तो पार ही उठता ज्यादा। चंगे भले तगड़े बंदे भी बैठे हैं, लेकिन आई एम ऑल्सो स्केर्ड भाई, मेरा तो बड़ा बड़ा वेट है, मैं तो उन जी बड़ा डर आ रहा। हम कैमल्स के करीब आ चुके हैं और ये खान साहब और मैं खड़े हैं। वैसे आपस की गल दसा, बड़े भाड़ी भाड़ी लोग बैठ रहे हैं, पर मेरे को इतना आसान ही है कि ये बह के मैं पहाड़ से चढ़ा, अस्तगफिरुल्लाह मैं तो उत्थे जम मार देनी है। तो और इतना डेंजरस है, यकीन माने अच्छे भले ऊंचे पहाड़ है जहाँ लेके जाते हैं, और ऐसे स्की काम करने के लिए मैं नहीं हूँ। और ये देखें ज़बरदस्त, और खास आपकी आ रही है ज़बरदस्त गर्मी जो बड़ी है, तो ऊँट भी होने के सारी गल है। तो देखो की काम हो रहा है दुनिया से, सानू पता ही कुछ नहीं है। तो लो फिर आप थोड़ी देर तक आपको दिखाते हैं, ये जड़े वो कहते ने ना असी डेयर करने हैं मुश्किल काम करने, करो भाई ये बड़ा डिफिकल्ट काम है, ते ये दे ते बैग ते पहाड़ ते चढ़ना। अच्छे भले तगड़े बंदे सोचते ही कुछ नहीं बह जाते हैं, मैं ते आप अपना भार गिनती रहनी भाई, मैं चंगी भली भारी हाँ, मेरे तो भी भारी भारी लोग आए हैं, लेकिन बिलीव करो कि इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एंड पैसों का मसला नहीं होता, लेकिन डर बहुत लगता है। टिकट भी इसकी कोई ख़ास नहीं है, आई थिंक इज़ 15 यूरो ईच परसन, लेकिन बट इट्स रियली डेंजरस, रियली डेंजरस। ये उत्ते पहाड़ से जाना है ना लैके, तो
बंदे तो औरतें इंज बैठे ने जिंज बच्चे ने बुढ़े बुढ़े भी आके भारी भारी लोग बैठे ने भाई खुदा दी पनाह है। चलो जी चलिए अगे असी नहीं रुकते। ये हम म्यूजियम के अंदर जा रहे हैं। से ये रॉक्स बने हुए हैं, देखा नक्शा नहीं बना हुआ, जैसे लावा आता है इस तरह ये रॉक्स बने हुए हैं। कहाँ कहाँ लावा है, ये मिट्टी के बारे में बताया हुआ, ये लावा की है, ये नॉर्मल सॉइल है, रखे दिखाया हुआ। ये वाली जो मिट्टी है ना, ये हर जगह पे है, ये कम है सॉइल वाली। ये देखें, यहाँ नॉर्मली लोग पहले ऊँट के लावा, जहाँ लावा नहीं था वहाँ ये ऊँट के साथ ऐसे, ये जो खेती बाड़ी जिसको हम कहते हैं, ये यहाँ पे रख के, अल्लाह माफ़ करे, वैसे सीट तो बहुत बड़ी है लेकिन डर आता ही है। देखिए हम बाहर चलते हैं, ये खान साहब आ गए बीच में। आप क्या कर रहे हैं जी, म्यूजियम में कुछ बोलना चाहेंगे, कैसी जगह है? अच्छा अच्छा, ओके चलें जी। वेट बहुत ज़्यादा है लेकिन आपस की गल है, बहुत डेंजरस काम है, ऊपर तक पहाड़ पे जाना है। अब मुझे रियली में डर लगता है ऐसे कामों से, मैं किसी ऐसी जगह पे जाके एडवेंचर नहीं करती हूँ, और मैं सब देखने वालों को ये मना करती हूँ। ऐसा कहते हैं ना, रंग में भंग मत डालें, कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे कोई चोट पेट लग जाए, क्योंकि जब एक दफ़ा बंदे का पैर टूट जाए ना तो उसको बहुत नसीहत आ जाती है। आई एम वन ऑफ देम। कि हजूज मजूद की कौम है, हाँ तो मैंने कुछ शैतान का लगता पे स्ट्रक्चर, आ देखो जरा नजर भी ना आवे, रात में पता डर जाए। हमारी एक बहन है, उनका बने बड़ा आवाज कर में कहती है अस्तगफुरुल्लाह, वाकई आज अस्तगफुरुल्लाह हो गई साडे नाल। वाओ वाओ भी है, अस्तगफुरुल्लाह भी है। ओ खुदा ने बना है सर से।
गड्डी पाई स्लो ही रखो तो बेहतर है, मीन दी स्पीड है, आई एम अ राइट ड्राइवर। ताहा पार्किंग है ते पार करने गड्डी ते देखने ते की हो ओ ते है भाई होटल बना। यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन। लावा निकल के समुंदर में जा रहा है, बोल रखे हुए हैं ये को 100-125 मीटर नीचे है जिसके अंदर अभी भी लावा है और ये धुएं निकल रहे हैं। और साढ़े एशियन कहेंगे हैं तो कोई गैस है धुएं होंगे, लेकिन नहीं नहीं भाई हेलो, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे लोग कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। देखिए अभी भी इसमें से निकल रहा स्मोक क्योंकि गर्म है। और ये जनाब इस तरह उन्होंने सेट किए हुए हैं, पाइप्स लगाई हुई हैं, यहाँ आ रहा होता है हर वक्त धुआं, देखो निकल रहा है। और बस अभी वो निकालेंगे थोड़ी देर तक, 4 किलोमीटर नीचे तक नीचे लावा है और ये हीट फुल बाहर आ रही है क्योंकि मैं कैमरे की शक्ल से देखा, वो बंदा जो है वो रॉक अभी हाथ में दे रहा है सबके, वो इतनी गर्म है और सबको दिखा रहा है, ये देखें लावा पॉइंट लग चुकी है, लगा दिए सबको दिखा रहे हैं। बहुत नीचे डीप है और आप हम सोच भी नहीं सकते जितना ये डीप है, ठीक है 4 किलोमीटर नीचे इसके अलावा है। उसकी हीट की वजह से ज़रा सी कोई चीज़ ऊपर रखते हैं उसको आग लग जाती है। तो फिर आपको दिखाते हैं, दैट इज़ अ बिग थिंग, ये अल्लाह का अजाब है या अल्लाह की वो कह लें कि एक कह लें कारीगिरी है, ये अल्लाह ही कर सकता है। सोच भी नहीं सकते कि आग लगी हुई है, अभी भी बहुत ज़्यादा अंदर से हवा निकल रहा है क्योंकि शायद कैमरे की आंख ना दिखा सके, लेकिन आप यकीन माने बहुत हीट है, इधर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। और ये 4 किलोमीटर वक्त ये के नीचे है जहाँ से ये आ रहा है और ये एक होल है इसके अंदर जहाँ से हीट हर वक्त निकलती रहती है। तो ये अल्लाह का अजाब है या मैं क्या कहूँ कि अल्लाह की कुदरत है, क्योंकि ये बड़ा डेंजरस है। वो मना करते हैं कि करीब मत जाएं, इसके पत्थर लगाए हुए लोगों के लिए, लेकिन फिर भी एहतियात कर लाजम है। नहीं फिर आपको आगे के दिखाते हैं थोड़ी देर से। Ici, on a mis des tuyaux de fer dans la terre qui sont 10 mètres en bas, ils sont soldés ou fermés. Et ce monsieur, il va jeter un seau d'eau dedans. ये बंदा पानी डालेगा, देखिएगा थोड़ा सा पानी डाल देखो पर।
लावे के ऊपर ये चिकन बना रहे हैं। नीचे से ऑटोमेटिकली हीट आ रही, किसी गैस कूस की जरूरत नहीं है। ये जो भी चिकन ये ग्रिल कर रहे हैं ये लावे के ऊपर कर रहे हैं, और ये ग्रिल है, ये होटल में सर्व कर रहे हैं। आप हैरान होंगे, वो भी अरबाब ने खान ने और ये बनाई है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये सारा लोहे का फ्लोर है कि ऊपर तक हीट ना आए, ये देखिए। इस रेस्टोरेंट में इस लावे की हीट के ऊपर ये बना रहे हैं चिकन, ये नीचे से हीट आ रही है लावे की, रेस्टोरेंट बनाया हुआ है ये अंदर कैंटीन के, इन्होंने बनाया हुआ, पता नहीं क्या बनाया हुआ है। तो किस चीज़ का स्केलेटन पड़ा ये भी मुझे नहीं पता है जी। लावे की हीट के ऊपर पक रहा चिकन, और ये देखेंगी बड़ा इन्होंने सील अप किया हुआ है फ्लोर को भी, और बड़ा अच्छा अंदर से रेस्टोरेंट है। और गए हैं जी, 35 मिनट का टूर है। जिस वक्त मुझे जरा डर लगता है ना तो उर्दू खत्म हो जाती है, मेरे मुँह से थपक थपक पंजाबी निकलती है, थपक थपक। कुछ भी नहीं है अजय, ये पता नहीं हूँ अल्लाह का अज़ाब है या अल्लाह की कारीगरी है, तो अल्लाह ही जानता है। ये रोड ही बंद कर दी है, सिर्फ यहाँ टूरिस्ट आते हैं, वो भी सिर्फ एक्सपर्ट ड्राइवर्स, हर किसी को यहाँ लाने की इजाजत भी नहीं है। और पुलिस करें है तो ये देखना ना मुस्त ही अलग अजाब है, हम लोग इसको अलग अजाब कहते हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं नेचर है, डिजास्टर है। तो बस क्या कह सकते हैं, अलग ही अल्लाह ही जाने। और कई ऐसे होल्स हैं अभी भी जहाँ से लावा निकल रहा है लगातार, इन्होंने इसको नेशनल पार्क बना दिया है। और ये अब जो है ना अभी भी इसके नीचे लावा है, और जो बहुत ज़्यादा करीब है इसमें हीट बहुत है इस एरिया में। देख लो जे 35 मिनट की राइड, 35 मिनट मेरा कितना खूब खुश होना, आप ही सोच लो। जे ना किया जे ना तो देख लेना, सबसक्राइब लाइक उदा दो, बंदे कमेंट भी करो, दसो मैं कि जगह लो लो ये राइट लेफ्ट कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।
कुछ भी कुछ नहीं है। तो अब अगर कोई ना सब्सक्राइब करे ना फिर मैं की कह सकती। आज का तो ब्लॉग होना ही लंबा है क्योंकि इन्होंने सारी जो मेन रोड है ना वो बंद कर दिए, सिर्फ यहाँ एक्सपर्ट ड्राइवर्स और बसेस, क्योंकि यहाँ लावा निकलता है तो आम पब्लिक को आने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ टूरिस्ट बसेस हैं जो निकल सकती हैं। और ये छोटी छोटी रोडें हैं काट के आज द व्लॉग तो लंबा हो गई हो गया। मैं बार बार यही कहती हूँ कि ये अल्लाह की कह लो कि बस क्या है, कह लो कि ये सजा है ये जजा है ये कुदरत है ये क्या है पता नहीं, ये तो अल्लाह की अल्लाह ही जानता है। हाँ अल्लाह की हिकमत कोई नहीं जान सकता। ये देखो जी वो पहाड़ से ऊपर से आ रहे हैं नीचे, können wir folgenden Bericht lesen. Am 18. Oktober 1730 bildeten sich drei aus ihnen Dampfmassen, die ganze Insel ausbreiteten, in Begleitung von Schlacke und Asche, die sich in der gesamten Umgebung verteilte. Die Explosionen, die die Phänomene begleiteten. इस तरह से टायर साइड पे गए तो टायर फट जाए पूरा, इसलिए डेंजरस है। Que se alimentan de las partículas microscópicas captadas por el cielo. Se trata principalmente de escarabajos y grillos, muy parecidos a los primeros que llegaron a la isla hace millones de años, cuando el desarrollo se basaba. ये पहाड़ है जहाँ से अभी भी कभी कभी लावा निकल आता है, उसके ऊपर ही खड़े हैं। वैसे गलत ही की था कम, लेकिन की करिए। देखो कुछ भी नहीं आनी चाहिए। More than 800 species of animal life and plants have been noted within its confines, mostly terrestrial, but some in the sea. Organisms that live directly on the rocks are birds, lizards, and above all, various species of lichens, besides some unusual nocturnal insects that feed on microscopic particles carried by the wind. These are principally beetles and crickets, which may be similar to the pioneer creatures which made their home on the island when Lanzarote emerged from the sea millions of years ago. The largest known form of animal life is the Gila vulture, which feeds on carrion and nests in the craters of volcanoes and fire mountains. The smallest is a tiny cave-dwelling insect measuring less than 1 millimeter in length. Heute, fast 300 Jahre später, passiert erneut und immer mehr. Ein unbekanntes Tier ist ein Aasgeier,
इतना स्लो चलाना है कि ये लगने का खतरा है चट्टाने में, और ये सिर्फ एक्सपर्ट ड्राइवर ही कर सकता है। और वो भी बड़ी पर्स, मैं मर गई। जो ऐश हुई हुई ये तो लावा था, ये भी उसकी पहाड़ है ऊपर, वो आ गई रेत एडी वी बस मुँह पे खाई ना कितने जाएगा। हाय हाय बंदा जलील हो जाए अल्लाह की कसम, अगर ये इन्होंने ओपन किया हो या इधर नॉर्मल लोग आ रहे हो ना, ये आ ही नहीं सकता बंदा, जरा सा बस को लगा नहीं तो प्रॉब्लम हुई। वो कहते हैं कि यहाँ पे चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, ये रेत हर वक्त 22 से 24 डिग्री रहती है, और यहाँ कोई भी जानवर जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि नीचे लावा है, और जो ज़मीन है वो हर वक्त 22 से 24 टेम्परेचर में भी मोर देन दैट गर्म रहती है, जिसकी वजह से कोई किसी किस्म का जानवर यहाँ जिंदा रहना ना मुमकिन। ये खाइयाँ बनी हुई हैं, ये सारा ही लावा है, उसके ऊपर अब ना कई जगह पे ऐश आ गई हुई है, और कई जगह पे ना रेड है, और कई जगह से अभी भी निकल रहा है, इसलिए इन्होंने ये पार्क बंद। और लोग को देखो कानूनी मुकाबला, इतनी खतरनाक रोड जा रही है, तानों का माहौल लगता है कैसे माहौल है, अल्लाह ताला रहम करे, इतने करप्शन में चक्कर लगे ही जाइए। Se denominan historias y en ellas habitan muchas de las plantas hormonales y que luego se han ido comiendo lentamente por los nuevos sustratos de la primavera. Las últimas erupciones a casinas en el norte tuvieron lugar en 1824 y estuvieron precedidas de un largo periodo de campañas de sangre, los cuales se registraron en la isla en los terremotos de 1824. Durante días salieron por los cráteres a bordo de enormes geysers de hasta 30 metros de altura. The last eruptions on Lanzarote took place in 1824, following a preparatory period of 10 years, during which numerous earthquakes of medium intensity took place. The principal characteristic of this eruption was the immense number of stars. कुवत इल्ला बिल्ला मैं जो पता होता इतने होना है, मैं जिंदगी सब क्रिप्शन के चक्कर इतनी दूर ना जाती, अल्लाह माफ़ करे। तो जो सा गड्डी का ड्राइवर बस का ड्राइवर वह तो मरण वाला बेचारा, तो उन्होंने एड्डी वड्डी बस से इतनी, वह भी एड्डी खतरनाक जगह से, अल्लाह माफ़ करे। हाय मैं मर गई। चले मैं आपसे थोड़ी देर तक मिलती हूँ, मेरे से ना जब टेंशन होती है ना तो मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली पंजाबी निकलती है। ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। अब मैं बाद में मिलती हूँ। सेट हो रहा है। वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये विलाज है इधर।
बोलो भी माशाल्लाह। और स्पेन में ऐसा खाना मिलना है कहीं पे किसी को? और फिर आपको थोड़ी देर तक बताते हैं, अब मैं खाने लगी हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर आप देखें गरम 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 धुआं उठ रहा होगा भाई। बस अब हम इधर आ गए हैं अपने रिजॉर्ट में, ये रिजॉर्ट है सारा। और बस अब बहुत बुरी हालत हो चुकी है, आज वोल्केनो वाला हमने बनाया है, वो अल्लाह का अजाब है ये क्या है ये मुझे नहीं पता। तो लेकिन ये कि बड़ी अजीब जगह थी और नहुसत थी, मैं तो नहुसत समझी हूँ कि मेरा यकीन माने पर्सनली मेरा, मुझे लगे कि मेरा ना बस कुछ हो रहा है मुझे। और वहाँ की ग्रेविटी ऐसी थी कि बंदा चक्कर आ रहे थे, बंदे को नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। तो बस इसी के साथ आज के व्लॉग का अख्ताम करते हैं, कल एक नए दिन का आगाज़ करेंगे और एक नए टाइमिंग के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नए जोश व जज्बे के साथ, एक नए थीम्स के साथ। तो बस ये है कि इतना ज़्यादा एफर्ट करने के बाद प्लीज़ फैमिली फ्रेंड को कहें, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको जगह कैसी लगी। तो फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे, और आज मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलामुअलैकुम।